सवेरे उठा तो धूप खिली थी, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर? शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर? मैंने हवा से मांगा, थोड़ा खुलापन बस एक प्रश्वास? लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास? मैंने आकाश से मांगी, आंख की झपकी भर असीमता उधार? सबसे उधार मांगा, सबने दिया, यूं मैं जिया और जीता हूं। क्योंकि यही सब तो है जीवन, गरमाई मिठास हरियाली उजाला गंधवाही मुक्त खुलापन लोच उल्लास लहरिल प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। साधिकार लोग पूछेंगे, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि इसमें जान है? पर तब देर हो चुकी होगी, तब मैं हंस न सकूंगा। इसी बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। इतिहास का काम इतने से बन जाएगा कि एक था जो था अब नहीं है पाया गया, पर मैं जो जिया, जो मैं जिया, जो रोया हंसा, जो मैंने पाया जो किया, उसका क्या होगा? उसके लिए भी है एक नाम, आया गया। इस नाम को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। मेरे जैसे करोड़ों हैं जिनसे इतिहास का काम इसी तरह चलता है कि थे नहीं हैं। उनका सुख दुख पाना खोना अर्थ नहीं रखता, केवल होना या अंततः न होना। वे नहीं जानते इतिहास या अर्थ, वे हंसते हैं और लेते हैं भगवान का नाम। इस बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद गिरफ्तारी भी हो गई, जेल में रहा 3-1 वर्ष। मैं तब 19 बरस का था। 19 बरस के जवान के लिए ये सवाल जरूर बनता है कि अगर 20वां वर्ष पूरा होने तक मुझको फांसी हो जाती है तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है, भले ही क्रांतिकारी रहा या जो भी रहा। तो उस दौरान मैंने इसी प्रश्न को लेकर बहुत कुछ सोचा था और एक तरह से शिखर एक जीवनी जो है वो इसी सवाल का जवाब है। हंसती रहने देना, जब आवे दिन तब देह बुझे या टूटे इन आंखों को हंसती रहने देना। हाथों ने बहुत अनर्थ किए, पग ठौर कुठौर चले, मन के आगे भी खोटे लक्ष्य रहे, वाणी ने जाने अनजाने 100 झूठ कहे, पर आंखों ने हार दुख अवसान मृत्यु का अंधकार भी देखा तो सच सच देखा। इस पार उन्हें जब आवे दिन ले जावे, पर उस पार उन्हें फिर भी आलोक कथा सच्ची कहने देना, अपलक हंसती रहने देना जब आवे दिन। कवि के लिए विशेष कोई नारी का आकर्षण होता है और पुरुष का आकर्षण नहीं है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। इस संदर्भ के बाहर, इस संदर्भ में तो है ही, क्योंकि कवि होने से कोई ऐसा तो नहीं है कि पुरुष नहीं रहता कवि, बल्कि एक हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो कवि में एक अतिरिक्त संवेदन विकसित होता है। वो पुरुष के मनोभाव तो उसके होते ही हैं और नारी के मनोभावों में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक गहराई से प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कल्पना कर सकें कि कवि जो है वो एक साथ ही पुरुष और स्त्री दोनों होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ औचित्य होगा ऐसा सोचने में।
स्त्री कवि हो तो भी और पुरुष हो तो भी। नाच, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।